राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सिविल सेकंड ईयर के हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स या रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी। ठीक है, रोड के निर्माण के लिए उपयोग होने वाली मशीनरी का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला चीज़ इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़ पढ़नी है सड़क निर्माण यंत्र, मतलब सड़क के निर्माण के लिए जो भी यंत्र उपयोग होते हैं वो क्यों उपयोग होते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये पढ़ेंगे कि सड़क निर्माण यंत्र में ही पहला जो होता है मिट्टी कार्य की मशीनरी या मिट्टी कार्य का यंत्र, दूसरा जो होता है बिटुमिन मशीनरी या बिटुमिन यंत्र, बिटुमिन मशीनरी या बिटुमिन मिक्सर यंत्र, और तीसरा चीज़ जो है बिटुमिन मिश्रण मशीनरी हो गया, चौथा होगा कंक्रीट मिश्रण मशीनरी, और पांचवा हो जाएगा पुल निर्माण यंत्र। तो ये बेसिकली हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में, बस यही चीज़ पढ़नी है। चैप्टर का नाम सड़क निर्माण यंत्र, सड़क के निर्माण में उपयोग होने वाले सभी यंत्र का अध्ययन पढ़ना है। आइए देखते हैं, पहला चैप्टर जो है सड़क निर्माण यंत्र, पहला टॉपिक सड़क निर्माण यंत्र, रोड मेकिंग मशीनरी जो है, ये रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो है, पहले उसके बारे में देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि जो सड़क निर्माण होता है या उसका इस्तेमाल किस का क्यों किया जाता है। सड़क निर्माण मशीनों का और उपकरणों का इस्तेमाल हम लोग निम्नलिखित कार्यों के लिए करते हैं। पहला चीज़ जो होती है पहली चीज़ जो होती है मिट्टी की कटाई, भराई तथा कुटाई के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है सड़क निर्माण, सड़क पट्टी से जंगल, पेड़ पौधे, झाड़ियों को साफ करने के लिए। अगली चीज़ जो है सड़क पर गिट्टी बिछाने एवं कूटने के लिए। ठीक है, सड़क पर पृष्ठ रोलिंग करने के लिए, बिटुमिन को गर्म करके सड़क पर फैलाने के लिए, क्षतिग्रस्त सड़क को पुनः बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग इसी के लिए हम लोग सड़क निर्माण यंत्रों का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ जो आ रही है मिट्टी कार्य की मशीनरी, जो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे मिट्टी कार्य की मशीनरी, उसमें कौन कौन से मशीनरी उपयोग होती हैं। जैसे उसमें ट्रैक्टर होता है, डोजर उपयोग होता है, सावेल उपयोग होता है, ड्रेग लाइन उपयोग होती है, बैकहो उपयोग होता है, क्लैम सैल उपयोग होता है, रूटर या रिम्पर उपयोग होता है, स्कैरिफायर उपयोग होता है, स्क्रैपर, लोडर, ग्रेडर, डंपर, सड़क रोलर। ये लगभग 13 इक्विपमेंट्स हैं जो मिट्टी कार्य की मशीनरी के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक होता है, अगला टॉपिक जो है बिटुमिन मिक्सर मशीनरी। बिटुमिन मिक्सर मशीनरी में क्या होता है, बिटुमिन मिक्सर मशीनरी में हम लोग देखेंगे तो उसमें जो होता है बिटुमिन बॉयलर उपयोग होता है, बिटुमिन स्प्रेयर उपयोग होता है, बिटुमिन मिश्रक उपयोग होता है, गिट्टी हीटर पैन उपयोग होता है, यांत्रिक पेवर उपयोग होता है। ये चीज़ें जो होती हैं हम लोग जो करते हैं। अगली चीज़ जो होती है कंक्रीट मिक्सर मशीनरी में, तो एक कंक्रीट मिक्सर मशीनरी की दो ही चीज़ें उपयोग होती हैं, पहला कंक्रीट मिश्रक या कंक्रीट मिक्सर, दूसरा चीज़ जो होती है मिक्सर, और तीसरा दूसरा चीज़ होती है कंक्रीट वाइब्रेटर, मतलब कंक्रीट को वाइब्रेट करने वाला यंत्र। ये दो चीज़ें उपयोग में आती हैं। और अगली चीज़ होती है लास्ट टॉपिक जो है इसका पांचवा, पुल निर्माण यंत्र, मतलब ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से यंत्र उपयोग होते हैं उसके बारे में। पहली चीज़ जो होती है उपयोग क्रेन, दूसरी जो होती है ग्रैप्स जिसको पकड़ उपस्कर जो है ग्राही बोलते हैं, पाइलर, बालू पंप, सैंड पंप, स्लिप फर्मा उपस्कर, कंक्रीट बेंचिंग, मिश्रण प्लांट, पुल बिल्डर, गर्डर अवतरणी, गोता डुबकी उपस्कर, ये सभी उपकरण हमारे लिए उपयोग होते हैं। विभिन्न उपकरणों में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसकी लाइफ टाइम कितनी है, अभी तक जो उपकरण के बारे में हमने बताया आपको, तो
तो उसमें ये पता करना है, ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा उपकरण कितने दिन तक चल सकता है। तो ये इसके लिए हम लोग देखे हैं, देखिए इसी लिखा है, जैसे अगर ट्रक है तो वो लगभग आपकी 20,000 से 30,000 घंटे तक चलेगी, उसकी लाइफ टाइम रहेगी जो उपयोग में की जा रही जाने वाली होगी। ट्रैक्टर है तो 12 घंटे, और उसके बाद इसी तरह से स्क्रैपर है वो भी 12 घंटे, सड़क रोलर है तो 18 घंटे, ग्रेडर है तो 15 घंटे, स्टोन क्रेशर है तो 10,000 घंटे। मतलब ये 15 घंटे, 15,000 घंटे और 18,000 घंटे, सड़क रोलर 18,000 घंटे, स्क्रैपर 12,000 घंटे, ट्रैक्टर 12,000 घंटे, ठीक है, बिटुमेन तापक मिश्रक जो होता है 10,000 घंटे, हार्ट मिक्स प्लांट जो होता है 15,000 घंटे, इसी तरह से जो है सभी चीज़ें होती है। अगली चीज़ होती है जैसे चट्टान की कटाई के उपयोग में आने वाले यंत्र। चट्टान की कटाई में मुख्यतः देखिए जो उपयोग में आता है यंत्र वो होता है एयर कंप्रेशर, पहला एक एयर कंप्रेशर होता है, दूसरा होता है क्रशर। एयर कंप्रेशर में जो होते हैं जैक हैमर होता है, एयर कंप्रेशर में क्या होता है, एयर कंप्रेशर में जैक हैमर होता है, वैगन हैमर होता है, कंक्रीट निडिल कंपक होता है, कंक्रीट निडिल वाइब्रेटर होता है, ठीक। दूसरा जो होता है क्रशक होता है, ठीक, ये चीज़ होती है। पहला चीज़ जो होता है चट्टान की कटाई के लिए जो उपयोग होता है, पहली चीज़ होता है एयर कंप्रेशर। पहले चट्टान हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, चट्टान जो है पृथ्वी के नीचे से निकलने वाला मैग्मा, पृथ्वी के नीचे सभी मटेरियल अत्यधिक तापमान में होने के कारण वो बहुत ही द्रवित अवस्था में होते हैं, और यही द्रवित अवस्था के मटेरियल को मैग्मा बोलते हैं। यही मैग्मा जब पृथ्वी की दरारों या छिद्रों से होकर के बाहर आता है और सॉलिडिफाइड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको हम लोग चट्टान बोलने लगते हैं। अब चट्टान को तोड़ने के लिए, उसको विभिन्न शेपों में प्रदान करने के लिए हम उपकरण उपयोग करेंगे, उसी उपकरण की स्टडी हमको करनी है। तो सड़क में सबसे पहले जो होता है, जो चट्टानों को निर्माण सड़क के निर्माण के लिए पत्थर या गिट्टी जो है चट्टानों से निकाला जाता है, चट्टान की कटाई का कार्य वेधन व विस्फोटन किया जाता है। इसके लिए हम लोग मुख्यतः दो उपकरण उपयोग करते हैं, वायु संपीडक और क्रशर। वायु संपीडक क्या होता है, यह यंत्र दाबित वायु से कार्य करता है, मतलब प्रेशराइज्ड एयर रहेगी, और इसकी जो होती है दक्षता जो है घन मीटर वायु प्रति मिनट में आकी जाती है। उसी में होता है जैक हैमर लगा होता है, जैक हैमर जो होता है इस हथौड़े का भार 4.5 से 25 kg तक होता है, इसका हस्तन एकल श्रमिक कर सकता है। यह हथौड़ा प्रति मिनट 2,000 से 2,500 चोट मार सकता है। वैगन हैमर में क्या होता है, दूसरा होता है जो हमारा पहला हो गया हमारा जैक हैमर, दूसरा हो गया वैगन हैमर। वैगन हैमर क्या होता है, यह हथौड़ा भी 10 मीटर की गहराई तक ऊर्ध्वाधर तिरछा छिद्र कर सकता है। इसकी जो छिद्रण शक्ति होती है, छेदने की शक्ति होती है, वो 4 मीटर से 6 मीटर प्रति घंटा होती है। अगला होता है कंक्रीट कंक्रीट निडिल कम वाइब्रेटर। यह उपकरण भी जो होता है वायु से चलता है और गीली कंक्रीट को संवहन करने में काम आता है, ठीक है। दूसरा होता है क्रशर, दूसरा होता है, पहला था एयर कंप्रेसर, अब दूसरा है क्रशर। क्रशर में क्या होता है, पत्थर के भाटों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हम लोग क्रशर का उपयोग करते हैं। भाटों मतलब बाउल्डर, बाउल्डर में वांछित माप की गिट्टी में परिवर्तन करने के लिए कई दलन स्तर प्रथम द्वितीयक और तृतीयक अपनाए जाते हैं। प्रक्रेशर भी कई प्रकार के होते हैं, पहला जबड़ा संदलक जा क्रेशर, दूसरा होता है प्रभावी संदलक गायरेटोरी मीटर क्रशर, तीसरा होता है बेलनाकार जबड़ा संदलक जा क्रशर, सॉरी संदलक रोल क्रशर, और उसके बाद चौथा होता है गुलिका चक्कर या बाल मील। इस तरह से अब हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि
कि जो कंक्रीट ये इक्विपमेंट्स होते हैं वो कटाई खुदाई के लिए, जो मिट्टी के लिए उपयोग होते हैं, तो पहला होता है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर जो होता है मूल रूप से एक वाहक मशीन होता है जो पहियों अथवा चेन की पट्टी पर चलता है। ट्रैक्टर अन्य संयंत्रों व मशीनरी से खींचने या धकेलने का कार्य करता है। यह संयंत्र को कार्य करने के लिए यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इस तरह से ट्रैक्टर जो है हमारा कार्य करता है। ट्रैक्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चेन पट्टी ट्रैक्टर, दूसरा होता है पहिए वाला ट्रैक्टर न्यूमेटिक। तो जनरली हम लोग देखते हैं पहिए वाला ट्रैक्टर हम लोगों को घरों में भी रहता है, गाँव में भी मिल जाएगा। चेन कट्टी वाला थोड़ा सा, मतलब चेन पट्टी वाला थोड़ा दुर्लभ होता है। चेन पट्टी में क्या होता है, इसके दोनों तरफ दांतेदार पहियों में सैनिक टैंक की भांति चेन लगी होती है, जिसके घूमने पर यह भूमि पर रेंगता हुआ चलता है। ठीक है, सिराहीन पट्टी को केटर पिलर भी कहते हैं। दूसरा होता है पहिए वाला ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर में चार रबर टायर वाले पहिए लगे होते हैं। आगे के दो पहिए छोटे होते हैं और बाद के दो पहिए बड़े होते हैं। अगली चीज़ होती है हमारी, देखिए फिगर में लिखा हुआ है ट्रैक्टर, अगली अगली है डोजर। डोजर को सामान्यतः बुलडोजर भी कहते हैं। डोजर ऊंची नीची भूमि को काट करके समतल करना तथा मिट्टी समेटने के काम आता है डोजर। चेन पट्टी अथवा पहिए वाले ट्रैक्टर के आगे इस्पात का एक लंबा बेलनाकार ब्लेड लगाकर यह संयंत्र बनाया जा सकता है। अब देखिए डोजर भी कई प्रकार के होते हैं, जिससे पहला होता है बुलडोजर, दूसरा होता है एंगल डोजर, तीसरा होता है आपका पेड़ डोजर। पहला जानिए बुलडोजर क्या होता है। डोजर में बुलडोजर क्या होता है, बुलडोजर बुलडोजर में क्या होता है, ब्लेड को ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है या मिट्टी के ढेर को आगे ले जाने तथा निर्माण स्थल को समतल करने के काम आता है। समतल करने के लिए ब्लेड को भूमि पर गिराकर डोजर को पीछे की ओर ले जाया जाता है। एंगल डोजर दूसरा होता है। एंगल डोजर में क्या होता है, इस डोजर में ब्लेड को क्षैतिज दिशा में 30 अंशी कोण पर घुमाया जाता है। इस अव्यवस्था में से एंगल डोजर मिट्टी तथा अन्य मटेरियल को आगे अथवा दाएं भी ले जाया जा सकता है एंगल डोजर की मदद से। ठीक है, अगला होता है हमारा पेड़ डोजर। पेड़ डोजर में क्या होता है, इस डोजर को ब्लेड अधिक वक्रदार होता है। यह वृक्षों तथा घने झाड़ियों को काटने तथा जड़ से निकालने के काम आता है। पेड़ डोजर में क्या होता है, इस डोजर में ब्लेड अधिक वक्राकार होते हैं। यह वृक्षों तथा घने झाड़ियों को काटने तथा जड़ से निकालने के काम आते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा डोजर जो है दूसरा खत्म हो गया। तीसरा होता है पावर सावल। पावर सावल का फिगर देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, और यह एक शक्तिचालित बेलचा होता है जो ड्रिपर व बूमर से जुड़ा होता है और आगे बढ़ करके मिट्टी काटता है। यह संयंत्र भी सभी प्रकार की मिट्टी कटानों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका ड्रेग लाइन। यह एक मिट्टी खुदाई यंत्र है जो नरम मिट्टी खोदने, ट्रक में भरने तथा तो बांधों पर मिट्टी डालने के काम आता है। ड्रेन लाइन जो है सावल से कहीं उत्तम होता है, क्योंकि इस खाई में उतारने की आवश्यकता नहीं, इसे खाई में उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा क्या, अगला चीज़ क्या होती है हमारी, बैकहो। बैकहो में डिम्पर दंड व डिम्पर को सावल बूम के सिरों पर उल्टी स्थिति में लगाने पर जो मशीन बनती है उसे हुम कहते हैं। हुम को मिट्टी खुदाई करने वाली कदाली हुम को मिट्टी खुदाई करने वाली कुदाली भी कहते हैं। हुम को मिट्टी खुदाई, अच्छा बैक हुम मतलब कुदाली भी कहते हैं।
यह पावर सावल के परिवार की एक मृदा खुदाई मशीन है। क्लैम्पशेल भी क्या होता है? यह मोटे तौर पर एक चल क्रेन का बूम से एक बकट लटका करके क्लैम्पशेल बनाया जाता है। इस क्लैम्पशेल की बुकेट दो भागों में बनी होती है, मुंह के जबड़ों की भांति, जिसे क्रेन की रस्सी द्वारा बंद अथवा खोला जा सकता है। अगला जो है टॉपिक का हमारा अगला टॉपिक है स्केरी फायर या समाखुरत। स्केरी फायर या समाखुरत सेक्रीफायर। स्केरी फायर में क्या होता है? यह रीपर की भांति कार्य करता है और कठोर मृदा या पुरानी और डामर की सड़क की सतह को समान गहराई तक ढीला करने में तथा उखाड़ने में काम आता है। स्क्रैपर होता है अगला चीज, इसे खुरचन उसे खुरचन खुरचनी भी कहते हैं। स्क्रैपर को खुरचनी भी कहते हैं। स्क्रैपर मिट्टी के हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर मिट्टी खोदने के काम भी आता है। रोगर लोडर अगला होगा। लोडर लोडर में यह होता है, यह कटी हुई मिट्टी पत्थरी बजरी बालू को कटी हुई बालू को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें ट्रैक्टर और शावल दोनों मशीनों के गुण होते हैं। अगला चीज होता है ग्रेडर। ग्रेडर दो प्रकार के होते हैं, जब यह स्वतः चालित होते हैं तो इन्हें मोटर ग्रेडर कहते हैं, और जब यह ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाते हैं तो ये उत्थक ग्रेडर कहलाते हैं। अगली चीज आती है ट्रक या मोटर युक्त ठेला होता है, जो निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। एक सामान्य ट्रक 5 से 12 टन तक का बोझा बियर कर सकती है। अगला है सड़क रोलर। ट्रक में डंपर भी होता है। डंपर या एक प्रकार का ऊपर से खुला ट्रक होता है, जिसके पिछले भाग को जेक अवस्था द्वारा ऊपर उठाया जा सकता है। अगला होता है सड़क रोलर। सड़क रोलर भी जो होता है, सड़क निर्माण मशीनरी में रोलर का विशेष ध्यान दिया जाता है। जलबंध मैग्नम सड़क का अस्तित्व ही रोलर द्वारा पत्थर की गिट्टी की कुटाई पर निर्भर करता है। सड़क रोलर भी 4 प्रकार के होते हैं। हस्तचालित रोलर होता है, स्पाट पहिए वाला रोलर होता है, रबर के टायर वाला रोलर होता है, व्हीलपाद या सीप फुट रोलर होता है। हस्तचालित रोलर भी स्पाट पहिए वाला रोलर एक होता है हस्तचालित, दूसरा होता है स्पाट पहिए वाला रोलर। स्पाट पहिए वाला रोलर जो होता है 3 प्रकार का होता है, हल्के रोलर, मध्यम रोलर, भारी रोलर। सड़क रोलरों का प्रकार में वाष्प रोलर होता है, डीजल रोलर होता है। अब दूसरा होता है बिटमिन वाले उपकरण क्या होता है? पहला बिटमिन बॉयलर या तापक। बिटमिन या टार को सड़क पर डालने से पहले इसे आवश्यक डिग्री तक गर्म करना पड़ता है। इसके लिए बिटमिन बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। तापक से गर्म हुआ बिटमिन सतत मिलता रहता है।
ये तापक 1,000 लीटर से 10,000 लीटर धारी तक के हो सकते हैं। अगली चीज आती है बिटुमिन स्प्रेयर या फुहारिका। गर्म बिटुमिन को सड़क पर समान रूप से फैलाने के लिए बिटुमिन स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला होता है कंक्रीट मिश्रक का। सीमेंट कंक्रीट को सड़कों के निर्माण में कंक्रीट तैयार करने के लिए मिश्रक का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लुढ़काऊ डूमक मिश्रण टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर, दूसरा जो होता है अलुढ़काऊ ड्रमक मिक्सर नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सर होता है। ठीक है, अब अगली चीज जो होती है कंक्रीट मिश्रक। कंक्रीट मिश्रक में क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट को से की सड़कों के निर्माण में कंक्रीट तैयार करने के लिए मिश्रक का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लुढ़काऊ ड्रम मिश्रक अलुढ़काऊ ड्रम मिश्रक। कंक्रीट मिश्रक में देखिए, कंक्रीट मिश्रक भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये सीमेंट कंक्रीट की सड़कों के निर्माण में कंक्रीट तैयार करने के लिए मिश्रक का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक जो होता है लुढ़काऊ ड्रम मिश्रक होता है, दूसरा अलुढ़काऊ ड्रम मिश्रक होता है। लुढ़काऊ ड्रम मिश्रक में अगला चीज होता है हमारा कंक्रीट कंपक या वाइब्रेटर। कंपक गीली कुटाई की कंपक जो होता है गीली कंक्रीट की कुटाई के काम आता है। यह कंपक यांत्रिक शक्ति अथवा संपीड़ित वायु से चलते हैं और गीली कंक्रीट में कंपन या लहरें उत्पन्न करते हैं, जिससे कंक्रीट का संघनन होता है और इसके छिद्रों में फंसी बाहर वायु निकल जाती है। अब कंक्रीट वाइब्रेटर के भी कई प्रकार होते हैं। पहला आंतरिक वाइब्रेटर होता है, दूसरा जो होता है बाह्य वाइब्रेटर होता है, तीसरा सतही वाइब्रेटर होता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है और पूरा टॉपिक हमारा ओके होता है। ओके, थैंक यू। नोट्स आप लोग बनाइए और पढ़ते रहिए। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें आपको मिलेगा कि सड़कों के किनारे वृक्ष संवर्धन, रोड साइड एबोरी कल्चर जो होता है, मतलब रोड साइड एबोरी कल्चर मतलब सड़कों के किनारे वृक्ष संवर्धन, ये क्या होता है, इसको क्यों वृक्ष किनारे क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने का उद्देश्य क्या होता है। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला ये है कि पेड़ यात्रियों को शीतल छाया प्रदान करता है। दूसरा ये कि प्राकृतिक सौंदर्य उत्पन्न करता है और जिससे जो वाहन चालक होते हैं वो यात्रा के कष्टों को भूल जाते हैं। तीसरा जो होता है उपजाऊ पेड़ लगाने से फल तथा लकड़ी प्राप्त हो जाती है। चौथा यह होता है कि हमारा वृक्ष सड़क की नीरसता भंग करते हैं। यात्रा की दूरी तय करते समय ऐसा भान है होता है कि हमें अकेले नहीं है, वृक्ष भी हमारे साथ चल रहे हैं। पांचवा जो होता है छायादार पेड़ सड़कों पर तापक्रम में अधिक उतार चढ़ाव को रोकते हैं। छठवां जो होता है अगला पॉइंट रेगिस्तान में धूल भरी आंधियों और रेतीले टीलों के प्रवाह को काफ़ी हद तक रोकते हैं। सातवां होता है सड़क के बर्मों तथा ढालों में सुरक्षा करते हैं और भूमि कटान रोकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये जानेंगे सड़कों के निर्माण में वृक्ष लगाने का ये उद्देश्य होता है। अब जानेंगे वृक्षों को लगाने की क्या विधि होती है। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने की विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग गड्ढे खोदते हैं। वृक्ष लगाने के लिए नर्सरी पौधशाला से लाकर के वृक्ष को पौध लगाना हो
रहता है। वर्षा ऋतु पहले बूंद से 1.25 मीटर व्यास ऊपर से 1 मीटर व्यास नीचे से गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है इसमें पौध लगाना। पौध लगाने का सबसे अच्छा मौसम वर्षा ऋतु होती है, पहली वर्षा के बाद पौध लगा देना चाहिए। अगला जो होता है सींचना, आरंभ में पौधों को प्रतिदिन पानी दिया जाता है, बाद में ग्रीष्म ऋतु में 3 दिन बाद, शरद ऋतु में 6 दिन बाद एक बार पानी दे दिया जाता है। अगला होता है गोड़ना, उसकी गुड़ाई करना, फिर वृक्ष की रक्षा करना, फिर कटाई छटाई करना उसकी। अगला पॉइंट होता है सड़क पर लटकती शाखाएँ काटना। फिर अगला पॉइंट होता है वृक्षों की संख्याकरण करना। फिर अगला होता है वृक्ष गिनना। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं अगला चैप्टर में भी आपका है, इसके बारे में आप लोग जान गए हैं। ठीक है, आज बस इतना ही, आपका हाईवे आज ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।